12th के साथ ही अपने MBBS के सिलेक्शन का सपना पूरा किया है। मेरे साथ है 12th के 1 year कोर्स से मोशन अपना नीट क्रैक कंप्लीट करा है। नीट का आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है, मतलब ये नहीं कुछ कुछ होता है कि बच्चे फॉर्मूला याद कर लेते हैं, यानी फॉर्मूला को याद कर लो अगर आपको जल्दी सॉल्व करना है वो अलग चीज़ है, पर इनिशियली आपको अच्छे से उसको रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है, उसको डिटेल में पढ़ना है। बाकी फिर टेस्ट से पहले आप फॉर्मूला कर सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन आराम से हो सकता है। ईजी रहता है नीट, इतना हार्ड नहीं होता, मतलब ईजी। अभी जैसे इस टाइम वाला था ईजी आया था पिछले साल से, तो बहुत आसान था वाला। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ, मोशन के नीट चैनल पर आज हम फिर एक और सितारे से आपका परिचय कराने वाले हैं। ये सितारा हमारे साथ है जिसका नाम है प्रद्युमन सिंह कंवर, जिन्होंने 12th के साथ ही अपने MBBS के सिलेक्शन का सपना पूरा किया है। मेरे साथ है आदरणीय आशीष वाजपेयी सर, डिप्यूटी डायरेक्टर मोशन नीट डिवीज़न कोटा, तथा साथ में हमारे JC सर, मोशन डिप्यूटी डायरेक्टर नीट डिवीज़न कोटा। और आज हम चर्चा करेंगे प्रद्युमन की इस यात्रा के बारे में, इस जर्नी के बारे में। तो प्रद्युमन, पहली बात तो कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है। मेरे मतलब एक्सपेक्टेड था नहीं, पर अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। अपने बारे में जरा बताओ, ऑडियंस को सब जानना चाहते हैं आपके बारे में। मेरा नाम प्रद्युमन सिंह कंवर है, मैंने क्लास 12th के 1 year कोर्स से मोशन अपना नीट क्रैक कंप्लीट करा है। मेरे 670 मार्क्स आए हैं, मेरे फिजिक्स में 150 आए, केमिस्ट्री में 170 और बायो में 350 आए। बहुत बढ़िया, 12th के साथ नीट क्रैक 670 मार्क्स एक्सपेक्टेड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इतने बच्चे परेशान हैं, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि 12th के साथ आपने कैसे, मतलब बोर्ड भी और नीट भी, कुछ तो बताओ कैसे पढ़ाई करी। बोर्ड्स का मतलब मेरे पापा भी कहते थे बोर्ड्स के लिए पढ़ने के लिए, पर बोर्ड्स की ज़्यादा टेंशन नहीं करनी, मेन आपको बोर्ड्स आपके लास्ट मंथ में भी कम्प्लीट हो सकता है बोर्ड्स का, ऐसा मतलब जितना मेरे को पता है। बोर्ड्स अगर आपने नीट की तैयारी अच्छे से करी है तो बोर्ड्स भी आपके फाइनल मंथ में कंप्लीट कर सकते हो आप। नीट का आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है, मतलब ये नहीं कुछ कुछ होता है कि बच्चे फॉर्मूला याद कर लेते हैं, ये नहीं, फॉर्मूला को याद कर लो अगर आपको जल्दी सॉल्व करना है वो अलग चीज़ है, पर इनिशियली आपको अच्छे से उसको रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है, उसको डिटेल में पढ़ना है। बाकी फिर टेस्ट से पहले आप फॉर्मूला कर सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन मेन आपको उसको डिटेल में पढ़ना ही है। प्रद्युमन, एक बात बताओ, जैसे तुमने कहा कि पापा का थोड़ा सा कंसर्न रहता था बोर्ड्स को लेकर के, ठीक है, तो क्या कभी ऐसा किसी टाइम पर ऐसा लगा कि मैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन मेरी डाउन जा रही है नीट की वजह से, या नीट की प्रिपरेशन मेरी डाउन जा रही है बोर्ड्स की वजह से, और उसको आपने फिर कैसे मैनेज किया? नहीं सर, ऐसा नहीं लगा कि कभी ऐसा फील नहीं हुआ। अल्टीमेटली द पॉइंट इज कि बहुत सारे सर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि बोर्ड्स के साथ में हम कैसे मैनेज करेंगे, और हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि बोर्ड्स जब आप देने जाओगे तो आपको लगेगा कि हम अननेसेसरीली टेंशन कर रहे थे, ठीक है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको कॉमन बुक्स पर काम करना है, NCERT और कॉमन है सर, 75% कॉमन उस बुक्स पर काम करना है, ठीक है। टेस्ट पेपर का क्वेश्चंस का प्रोफाइल अलग अलग होता है, बट अल्टीमेटली कंसेप्ट वही है, ठीक है। अगर आप कंसेप्चुअली पढ़ते हो तो डेफिनेटली आप दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। अच्छा, एक सवाल मेरा मानना है, प्रद्युमन, मैं ऑडियंस को मतलब हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अर्ली स्टार्ट का क्या बेनिफिट है, मतलब जैसे सर लोग अपना पहला अटेम्प्ट 12th वाला खराब कर देते हैं, मैं तो कहूँगा सर देखिए 12th के साथ सिलेक्ट हुआ है, लेकिन कुछ पेरेंट्स भी कभी कभी बोर्ड्स कंप्लीट कर ले फिर उस वक्त तैयारी करेगा, तो मतलब मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि जैसा, क्योंकि पहला सवाल भी वैसे था यही घूम करके आया था, लेकिन अब उसको अपन और अच्छे से इलेबोरेट करें, क्या पहला अटेम्प्ट आराम से हो सकता है? हाँ सर, इजी रहता है नीट, इतना हार्ड नहीं होता, मतलब ईजी। अभी जैसे इस टाइम वाला था ईजी आया था पिछले साल से, तो बहुत आसान था वाला। बाकी जो हमें एक ऐसा कुछ नहीं कि लेट स्टार्ट हो रहा है तो उसमें कुछ टेंशन नहीं, बट एक फाउंडेशन बन जाती है अर्ली स्टार्ट से, एक बेसिक अर्ली स्टार्ट से टाइम बचता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपका कोर्स जल्दी फ्री हो रहा है, फिर आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है ड्रॉपर के मुकाबले। प्रॉपर टाइम पेपर दिया आपने, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, BTS, बेनिफिट है? हाँ सर,
कुछ स्टूडेंट पेपर स्किप करते हैं प्रदुमन, क्या ये पैटर्न नीट के लिए सही रहे? मतलब आप इस पर भी तो बताएं, पेपर देना चाहिए कैसे, आप क्लास अटेंड करनी चाहिए क्या सारी बात? सर पेपर तो कम सारे देने चाहिए क्योंकि उससे हमें एक आइडिया मिलता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या फिर नीट ऐसा, नीट में क्या होता है क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के आ जाते हैं कुछ कुछ, जैसे कि ऐसा नहीं कि जो हम क्वेश्चन अभी तक करते हैं वही पैटर्न, कुछ कुछ नए आ जाते हैं, फिर उनको पी वाई के बच्चे उनको ही बाद में करते हैं। तो अगर हम उन क्वेश्चन को अच्छे से समझे सब कुछ, तो वो हमारा नीट में हमें उनका एक फ़ायदा मिल सकता है कि क्वेश्चन को कैसे समझना, एकदम से ग्रैब करना। एक प्रॉब्लम आती है कि बच्चों को बोलते हैं कि उनको याद नहीं आ रहा कि फॉर्मूला कैसे लगाएं, कौन सा लगाएं इस क्वेश्चन को पढ़ के, तो वो अगर हम टेस्ट देते हैं तो उनसे हमें एक आइडिया मिलता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस अच्छी होती है। लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा और वो ये कि जो स्टूडेंट अब नीट की प्रिपरेशन करने के लिए सोच रहे, उनको क्या टिप्स दोगे, कैसे बताओगे, कैसे तैयारी करें? उनको मैं बोलूँगा कि आप अपना जो टीचर्स हैं उनको फॉलो करो। डाउट अगर बिल्कुल नहीं आना चाहिए टीचर से बिल्कुल भी कि सर गलत पढ़ा रहे हैं कुछ, एनसीईआरटी सारी करो, क्योंकि फिजिक्स की एनसीईआरटी एक तो एक बहुत अच्छी एनसीईआरटी फिजिक्स की, वो आप जो सर क्लासे पढ़ते हो वही फिजिक्स की अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो घर पर जाके आपको उसका जो कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होएगा, एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी पढ़नी, बायो की तो सब बोलते हैं पढ़ने के लिए, और कंप्लीट धीरे धीरे करना है कोर्स, कोई जल्दी नहीं है, बाकी बस यही। चलिए, और बहुत सारे मल्टीपल सिस्टम पे ना जाकर के एक सिंगल सिस्टम पे विश्वास रखना है। कोचिंग का रोल मतलब कोचिंग आपको लगता है कि आपकी मतलब कोचिंग का रोल नीट में होता है? हाँ, फर्क पड़ता है? हाँ। अच्छा, जैसे सर 11th में मेरी कोचिंग अच्छी नहीं थी। अच्छा, तो उसकी वजह से मेरा 11th बिगड़ी, मतलब अभी इस टेस्ट में मेरी 11th में कम मार्क्स है, जो भी अच्छा हुआ वो मैंने यहाँ पे जो पढ़ा है उसकी वजह से आ रहा है मेरी 11th। तो फिर 11th कैसे ठीक करी? 11th से नहीं पढ़ी। अच्छा, इसका मतलब 12th, अच्छा 12th में 11th दोनों पढ़ाते हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल याद आया, पेरेंट्स को बता दूँ कि जो अब अगर मान लो बच्चा 12th में एडमिशन लेता है मोशन कोटा में, तो हम आपके 11th की भी पूरी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, पूरा 11th आपका कवर कराते हैं और आपका समय से कोर्स पूरा करते हैं, और कोर्स पूरा करने के बाद आपसे वादा करते हैं कि बच्चा 12th के साथ ही सिलेक्ट होता है। तो ये थी प्रद्युमन सिंह तंवर की कहानी, और ये बच्चा बहुत सिंसियर रहा, इसने सारी क्लासें करी हैं, सारे टेस्ट दिए हैं, कभी मेरे ख्याल से शायद मुझे तो तुम किसी से इन्फ्लुएंस भी नहीं होते थे, ये बड़ी अच्छी बात थी इसकी जो मुझे क्लासरूम में महसूस हुआ, ये कभी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखिए, आपकी सराउंडिंग बहुत मैटर करती है, आप अपने आसपास नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, जो आपने डिसाइड किया है आप उस पर दृढ़ होकर के लगे रहेंगे तो आपका रिजल्ट भी प्रद्युमन सिंह तंवर जैसा ही होगा। तो इजाज़त लेते हैं पैनल आज के लिए, ये बहुत बढ़िया सितारा हमारा था जिससे हमने आपको रूबरू कराया, कनेक्टेड रहिए, थैंक यू वेरी मच।